हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैजिकल हैंड। प्यारे दोस्तों, आज हम बहुत ही प्यारी सी ब्यूटीफुल सी बैग बनाएंगे। तो मैंने ये यहाँ पे ब्रोकेट का कपड़ा लिया है और फोल्ड किया है और 8x8 इंचेस के मैं 2 स्क्वायर पीस कट करूँगी। तो देखिए, मैंने ये फोल्ड किया है और यहाँ पे मैंने 8 इंचेस पे मार्क किया है और इस तरीके से मैं कट कर लूँगी और इसे 2 पार्ट में हमें डिवाइड करना है। तो देखिए, इसी के नाप से मैंने नॉन वन कट किया है। और दोस्तों, अगर आपके पास नॉन वन नहीं है तो आप यहाँ पे राइस बैग ले सकती हैं, और अगर आपको नॉन वन खरीदना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और यहाँ पे हमें 2 इंचेस पे मार्क करके यहाँ से कट कर लेना है। अब हम इसी के नाप से जिप को लेंगे और स्टिच कर लेंगे। अब हम यहाँ पे प्रेस स्टिच कर देंगे और ऊपर का पार्ट भी हम स्टिच करके जोड़ लेंगे। अब हम यहाँ पे प्रेस स्टिच करेंगे। देखिए, इसी के नाप से हमें नॉन वन कट करना है और स्टिच करके जोड़ लेना है। अब हमें ऐसा बड़ा सा बॉर्डर लेना है जिसका नाप है 8x32 इंचेस, और इसे हमें फोल्ड करके सेंटर में नॉचिस लगा के मार्क करना है दोनों साइड। देखिए, इस तरीके से हमें ऐसे नॉचिस लगाना है दोनों साइड और मार्क कर लेना है। और दोस्तों, ये जो हमने बैग के जो मेन पार्ट कट किए थे उसमें भी हमें सेंटर में ऐसे मार्क लगा लेना है। मार्क लगा के हमें यहाँ पे दोनों नोचिस को ऐसे मिलाना है और फिर हमें ऐसे स्टिच करना है। देखिए, इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। तो देखिए, यहाँ पे हमने उसी तरीके से स्टिच कर लिया। अब दूसरी साइड भी हम उसी तरीके से स्टिच कर लेंगे पूरे राउंड में। तो देखिए, दोनों साइड हमने ये पार्ट अटैच कर लिया है। अब हमें हैंगर के लिए ऐसे 2 पार्ट लेने हैं 14x4 इंचेस के। इसे हमें फोल्ड करना है और दोनों साइड इस तरीके से फोल्ड करना है। देखिए, और दोनों साइड स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद हमें ये देखिए बॉर्डर जो हमने 32 का लगाया था वहाँ पे ऐसे अपने हिसाब से दूरी रख के स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे हमने हैंगर को अटैच कर लिया है। अब हम इस तरीके का बॉर्डर लेंगे 16x8 इंचेस, ऐसे सेंटर में से कट कर लेना है और फिर 16 इंचेस की जिप को लेना है और यहाँ पे अटैच करना है। देखिए, ऐसे उल्टा रख के हमें प्रेस स्टिच कर देनी है। प्रेस स्टिच करने के बाद हमें दूसरी साइड का जो बॉर्डर है उसे ऐसे उल्टा रख के स्टिच करना है, और प्रेस स्टिच भी हो गई है। अब देखिए, यहाँ पे हम ये वेलक्रो लेंगे। आपके पास मैग्नेट बटन है तो वो भी यूज़ कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैं वेलक्रो लेके इस तरीके से रख के पूरे स्टिच करके जोड़ लूँगी। तो देखिए दोस्तों, वेलक्रो हमारा अटैच हो गया है। अब हम बॉर्डर को ऐसे उल्टा रखना है और देखिए पूरा स्क्वायर है जो ऊपर का वो हम पूरा स्टिच करके जोड़ लेंगे। देखिए, इस तरीके से हमने जोड़ लिया। अब हम बैग को सीधा कर लेंगे। तो देखिए, ये 3 पॉकेट वाली बहुत ही फेस वाली हमारी ब्यूटीफुल सी बैग रेडी हो गई है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय भारत।